फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ पे क्लास एट्थ के लिए या फिर आपको क्लास सेवन्थ में भी ये चैप्टर पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं। क्लास सेवन्थ एट्थ दोनों के लिए आप पढ़ा सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। ग्रामर का काफ़ी अच्छा टॉपिक है तो इसके ऊपर आप लेसन प्लान बना सकते हैं अगर आपको इंग्लिश का लेसन प्लान बनाना है तो। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। नीचे थम्सअप का बटन, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की सहायता के लिए जो भी लेसन प्लान की वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान की वीडियो। सबसे ऊपर आपको लेसन प्लान लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, उसके सामने नंबरिंग कर देनी है। 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा लेसन प्लान का आपका वो नंबरिंग कर देनी है। इतना काम करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाना है जिसमें डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, पीरियड लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है, टॉपिक लिखना है और ड्यूरेशन लिखना है। अगर इसी के साथ साथ आपके कॉलेज में कहते हैं कि कॉलेज का नाम भी लिखिए, स्कूल का नाम भी लिखिए तो आप लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि स्कूल का नाम वो लिखा जाता है जहाँ पर आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं, ना कि अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास यहाँ पे एट्थ लिखा गया, लेकिन मैंने जैसे आपको बता रखा है कि सेवन्थ और एट्थ दोनों के लिए इंटरजेक्शन टॉपिक भी आप लेसन प्लान बना सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर का, पीरियड यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, तो यहाँ पे थर्ड लिखा है, आप अपने अनुसार लिखिएगा जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा। और ड्यूरेशन यहाँ पे 35 मिनट का, ठीक है। इसके बाद आता है अगला हेडिंग यहाँ पे जनरल एम्स, यानी कि साधारण उद्देश्य क्या है आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका वो पढ़ाने का। कोई ना कोई यहाँ पे आपका सभी का एम होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई हर टीचर का एम होता है कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या, उनके अंदर क्या क्या डेवलप होगा उसके बारे में जनरल एम्स के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, टू डेवलप द स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज। थर्ड है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फोर्थ है, टू डेवलप देयर रीजनिंग एबिलिटी। ये हो गए 4 पॉइंट जनरल एम्स में। नेक्स्ट हेडिंग है आपके यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत आपको लिखना होता है जो अभी आपका टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या एम है आपका, क्या बच्चे सीखेंगे इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा गया कॉग्निटिव, इसमें देखिए लिखा गया स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द इंटरजेक्शन। सेकेंड पॉइंट है, दे विल बी एबल टू रिकॉल अदर पार्ट ऑफ स्पीच दे हैव रीड बिफोर। सेकेंड हेडिंग है यहाँ पे साइकोमोटर, इसमें पहला पॉइंट लिखा है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सेकेंड पॉइंट है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। थर्ड है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑब्लिक एफेक्शन, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, टू एनेबल देम टू यूज द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट है, दे विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंस यूजिंग नाउन। ये हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मटेरियल ऐड, यानी कि आपको क्या क्या आप टीचिंग टाइम में क्या क्या यूज करते हैं मटेरियल्स, उसके बारे में इसके अंतर्गत लिखना होता है। तो इसमें देखिए लिखा गया चार्ट, रोलर बोर्ड एंड अदर क्लासरूम इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया स्टूडेंट आर फेमिलियर विद सेम सम सेंटेंसेस, ठीक है। अब आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस और यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड टीचिंग एड्स। पीपल टीचर यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखेगा ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क सम क्वेश्चंस। पहला यहाँ पे सेंटेंस है, हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन। सेकेंड है, अलास सी लॉस्ट हर सन। थर्ड है, ओ यू आर हियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा ये सेंटेंसेस लिखने के बाद टीचर, विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग जॉय इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में पहला सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन। तो इसमें आपका आंसर मिलेगा द वर्ड हुर्रा इज एक्सप्रेसिंग जॉय इन द सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग सॉरो इन सेकेंड सेंटेंस। तो वर्ड एलास इज एक्सप्रेसिंग सॉरो इन सेकेंड सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इन द थर्ड सेंटेंस। तो इसका आंसर मिलेगा द वर्ड ओह इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इन द थर्ड सेंटेंस। फोर्थ है, विच पार्ट ऑफ स्पीच आर दीज
वर्ड हुर्रा एलास एंड ओ, तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक है, वो अभी इंटरजेक्शन के बारे में नहीं पढ़े हैं, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, स्टूडेंट आर साइलेंट। उसके बाद जैसे ही साइलेंट होंगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल दीजिए। थोड़ा सा मैं अभी जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। जूम कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम यहाँ पे लिखा गया है, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द इंटरजेक्शन, यानी कि बच्चों के सामने इस तरीके से आप बोलेंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द इंटरजेक्शन। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए प्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन लिखा गया है। प्रेजेंटेशन को आपको इस तरीके से कॉलम वाइज बनाना है, टीचिंग स्टेप्स, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइड में रिस्पांस, स्टूडेंट रिस्पांस का कॉलम आ जाएगा, फिर मेथड डिवाइसेस, और लास्ट में ब्लैक बोर्ड और टीचिंग एड्स हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोजर टू एग्जांपल्स, पीपल टीचर वाले कॉलम में लिखना है, पीपल टीचर राइट्स सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेंटेंस। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है हेलो हाउ डू यू डू, सेकेंड है ओ यू आर हेयर, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इज रिटन बिफोर द एक्सक्लेमेशन साइन इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो हेलो था, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा हेलो। सेकंड है विच वर्ड इज रिटन बिफोर एक्सक्लेमेशन साइन इन द सेकंड सेंटेंस, तो ओ इज द वर्ड रिटन बिफोर एक्सक्लेमेशन साइन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू दीज अंडरलाइन वर्ड आर नोन एज, तो स्टूडेंट रिमेन साइलेंट हो जाएंगे। अब जनरलाइजेशन में आप टीचिंग, यहाँ पर टीचर हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे, हेडिंग लिखना है आपको जनरलाइजेशन, यहाँ पे देखिए जनरलाइजेशन हेडिंग लिखा गया है। इसके बाद देखिए लिखा गया पीपल टीचर वाले में, पीपल टीचर विल जनरलाइज द फैक्ट विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड राइट द जनरलाइजेशन ऑन द बोर्ड। मेथड में लिखना है क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मेथड था, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्लैक पेपर चिपका लीजिए, उस पर ब्लैक बोर्ड वर्क में वही चीज़ लिखनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, आपने जो पढ़ाया उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को लिखना होता है, सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, तो जो भी आपने बताया है इंटरजेक्शन के बारे में वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे पीपल टीचर वाले में लिखना है द इंटरजेक्शन इज ऑलवेज अ स्पोकन वर्ड दैट एक्सप्रेस एन इमोशन, और एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, एग्जाम्पल हुर्रा एलास ओ सी, मतलब शांत रहने के लिए जो बोलते हैं, और एक्सेट्रा, स्टूडेंट आर साइलेंटली एंड अटेंटिवली लिसनिंग, ठीक है। ये आप डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन मेथड था आपका, तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। यूज ऑफ टीचिंग एड, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप इंटरजेक्शन के लिए एरोप्लेन के यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज वर्क है, इसके पहले यहाँ पे छूट गया था हमारा। एट द एंड ऑफ टीचिंग वाले पीपल टीचर वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है एट द एंड ऑफ इंटरजेक्शन ऑलवेज एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जैसे ये लग जाता है, इज यूज्ड, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट है एक्सरसाइज वर्क, पीपल टीचर राइट सम सेंटेंसेस एंड आस्क सम क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन एंड अंडरलाइन इट, ओ द पुलिस हैज़ कॉट हिम, सेकंड है आउच इट इज पेनिंग बैडली, एलएस सी इज डेड नाउ, वेल आई नेवर, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है वो ओ है, आउच है, एलएस है, एलएस का हिंदी मतलब होता है हाय, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं ना हाय ये मर गया, इस तरीके से, और नेवर, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं आप, उसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्लास सुपरविजन वर्क, पीपल टीचर वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही विल सुपरवाइज द क्लास, स्टूडेंट राइट द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। इवेल्युएशन वर्क में रीड द डिफरेंट इंटरजेक्शन दैट अपियर इन द स्पीच, यहाँ पे बबलर एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाई गेसिंग विच, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड ईच रिप्रेजेंट, लुक एट द साइन एट द एंड ऑफ ईच इंटरजेक्शन, स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखना है स्टूडेंट आर यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी मेथड था तो एक्टिविटी मेथड लिख दीजिए, ये हो गया। और लास्ट में आता है आपका होम असाइनमेंट यानी कि होमवर्क यहाँ पे देना है आपको बच्चों को घर से करके लाने के लिए, जिससे आपने जो पढ़ाया है बच्चे घर पे जाके कम से कम उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस यहाँ पे यूजिंग इंटरजेक्शन
वर्ड यानी कि इंटरजेक्शन को यूज करते हुए कुछ सेंटेंस लिख के ले आना है बच्चों को, जिससे बच्चे घर पे जाएंगे तो रिवाइज करेंगे आपके द्वारा जो पढ़ाया गया है। तो ये था का पूरा आज का यहाँ पे इंग्लिश का लेसन प्लान, इंग्लिश ग्रामर का। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत यहाँ पे पसंद आई हो, आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखनी है तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की सहायता के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आराम से बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।